दोस्तों, आज हम टैली के ऑडिटर्स एडिशन को देखेंगे। एक्चुअली जो ऑडिटर्स एडिशन है वो सीए के लिए बनाया गया है, तथा अगर हम इसको लॉगिन करते हैं एज रिमोट यूज़र, तो जो ऑडिटर है या सीए है वो डिफरेंट कंपनीज़ को ऑनलाइन पे ऑडिट कर सकता है, क्योंकि जो टैली है वह ऑनलाइन पे चल सकती है। हमने लॉगिन किया, ईमेल आईडी है tally.bub.user@tallysolution.com, tally.net का पासवर्ड लगा दिया। ऑनलाइन कंपनीज हैं ग्लोबल, नेशनल ट्रेडर एंड पर अमाउंट। यह है सीए की ऑनलाइन कंपनी है और सीए की ऑफलाइन कंपनी है एबीसी कंपनी। अब जो ऑडिटर्स एडिशन है उसमें एक बटन है ऑडिट एंड कंप्लियंस, और जो रिमोट यूज़र है, ऑनलाइन यूज़र है, वो टैली बपर यूज़र एट टैली सॉल्यूशन डॉट कॉम है। अब यूज़र एंड पासवर्ड लगाया इसमें tally.net ऑडिटर। यह जो कंपनी है ग्लोबल, उसने tally.net ऑडिटर को ऐड किया, इसको एक्सेप्ट किया। उसका काम है ऑडिट लिस्टिंग करना। अब आप देखोगे कि जो ऑडिटर है tally.net से कनेक्ट हो गया है ग्लोबल एंटरप्राइजेस से। यह टैक्स ऑडिट का डैशबोर्ड है, जिसमें जो सीए है उसने एक 38 अनऑडिटेड बोनस प्रोविडेंट फंड ईएसआई कवरीज हैं, उसमें से एक ऑडिट किया है। इसमें पूरी लिस्ट दी है अनऑडिटेड, ऑडिटेड, अंडर ऑब्जर्वेशन, नीड क्लेरिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन, टू बी री ऑडिटेड, ऑडिट कंप्लीट। ऐसे ही गेटवे ऑफ टैली ऑडिट एंड कंप्लियंस में स्टैचुटरी कंप्लियंस है। टोटल 303 लेजर हैं, उसमें से 20 वेरीफाइड होने हैं और करेक्शन कोई भी नहीं, और इन अकॉर्डेंस हैं 41। ऐसे ही वोचर्स की संख्या है, जैसे जैसे ऑडिटर लेजर्स को, वोचर्स को और इनको वेरीफाई करेगा, वैसे वैसे ये रिपोर्ट बनती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।